नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट डूम्सडे सीरीज का थर्ड इशू। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि सेंटिनल ने अब म्यूटेंट को मारना शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं, इसलिए बाकी के म्यूटेंट्स छुप कर बैठे हैं। और तब किटी प्राइड फैसला लेती है कि वो कोलोसस से शादी करेगी। तो अब आगे राइट गैंग, ये इशू की शुरुआत में हम किटी प्राइड को देखते हैं, जो बच्चों को जन्म दे रही थी, और उसमें किटी की मदद कोलोसस, बीस्ट और फोर्ज कर रहे थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जहां पर किटी बच्चों को जन्म दे रही है, वहां पर निम्रोड ने अटैक किया है। इसलिए निम्रोड को रोकने के लिए स्टॉर्म और वुल्वरिन आते हैं, लेकिन इस चक्कर में वुल्वरिन को लग जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। यहाँ ये सब कुछ साइक्लॉप्स सेंस कर लेता है, और उसके बाद साइक्लॉप्स अंदर आता है और सबसे कहता है कि जल्दी करो, वे लोग यहाँ आ चुके हैं। तो वही अंदर किटी एक लड़का और लड़की को जन्म देती है। तभी साइक्लॉप्स फिर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जिस पर कोलोसस साइक्लॉप्स से कहता है कि केट ने अभी दो बच्चों को जन्म दिया है, तो उसमें अब चलने की ताकत नहीं है। लेकिन तभी केट अपने बच्चे कोलोसस को देती है और कहती है कि मैं चल सकती हूँ। ये कहते ही केट चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ फोर्ज बीस्ट को एक गन देता है और कहता है कि ये पल्स कैनन है। यहाँ फ्रैंकलिन और स्टॉर्म अब भी निम्रोड से लड़ रहे थे, लेकिन तभी निम्रोड स्टॉर्म पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके कारण फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ध्यान भटक जाता है। और तब वहाँ रेचल समर्स आ जाती है, जिसे अब गवर्नमेंट ने माइंड कंट्रोल करके हाउंड बनाया है। तभी रेचल एक ही झटके में फ्रैंकलिन को बेहोश कर देती है, और तब गवर्नमेंट फ्रैंकलिन और स्टॉर्म को अपने साथ ले जाती है। यहाँ दो सेंटिनल्स अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने फोर्ज आता है और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फोर्ज की मदद के लिए बीस्ट आ जाता है और अपने पल्स कैनन से सेंटिनल पर अटैक कर देता है, और फोर्ज से कहता है कि एक्समैन कभी एक्समैन को पीछे नहीं छोड़ते हैं। लेकिन तभी एक सेंटिनल बीस्ट पर अटैक करके उसे मार डालता है। तभी ये देखकर फोर्ज को गुस्सा आता है और वो उन दोनों सेंटिनल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो सेंटिनल फोर्ज पे एनर्जी ब्लास्ट करके उसे पीछे फेंकते हैं। तभी फोर्ज फिर से खड़ा हो जाता है और देखता है कि सेंटिनल्स उसके खड़े होने का राह देख रहे थे, और तब वे सेंटिनल्स फिर से फोर्ज पे अटैक कर देते हैं और उसे बेहोश करके ले जाते हैं। फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि सेंटिनल्स अब और भी पावरफुल हो चुके हैं, और उन्हें रोकने के लिए म्यूटेंट्स ही नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं वो सेंटिनल्स के हाथों मारे जा रहे हैं। इसलिए अब सेंटिनल्स को रोकने के लिए नॉन म्यूटेंट्स यानी कि सुपर हीरोज आगे आ रहे हैं, और इनमें पहले है मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन और द थिंग। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन और द थिंग ने रेचल को ढूंढ लिया था, और तब मिस्टर फैंटास्टिक रेचल से कहता है, रेचल हम यहाँ तुम्हें घर ले जाने आए हैं। लेकिन रेचल कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए सुजन स्टॉर्म रिचर्ड्स रेचल से पूछती है कि क्या तुम हमें जानती हो, जिस पर रेचल मुड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम म्यूटेंट्स नहीं हो, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर सुजन रेचल से कहती है कि तुम हमारे बेटे फ्रैंकलिन को जानती हो, तुम उसे प्यार करती हो, क्या तुम्हें याद है। लेकिन तभी द थिंग रेचल पर अटैक कर देता है। ये देखकर रेचल कहती है कि हाँ मुझे याद है, पर तुम अगर मुझे रोकने जाओगे तो तुम सब मारे जाओगे। ये कहते ही रेचल एक ही झटके में द थिंग को मार डालती है, और तब रेचल मिस्टर फैंटास्टिक को मार डालती है। ये देखकर सुजन को गुस्सा आता है और वो रेचल को मारने जाती है। तभी एहब पीछे से आता है और सुजन के सीने में तलवार घुसाता है और सुजन को मार डालता है। तभी एहब रेचल की तरफ देखता है और कहता है, रेचल तुमने अच्छा काम किया। यहाँ दूसरी तरफ केट और बैंशी बात कर रहे थे। तभी केट बैंशी से कहती है कि रेचल स्कॉट की बेटी है, और मैंने स्कॉट से वादा किया है कि मैं उसे वापस लाऊंगी। जिस पर बैंशी केट से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, और मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ केट को वापस लाने में, पर मैंने सुना है कि अब जो है वो रेचल नहीं है, वो सिर्फ हाउंड है। जिस पर केट बैंशी से कहती है कि मैंने स्कॉट को जुबान दी है और तुमने कहा था कि तुमने रेचल को पास में देखा है। जिस पर बैंशी हाँ कहता है। यह सुनते ही केट रेचल को ढूंढने जाती है, लेकिन तभी बैंशी केट से कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। यह कहते ही बैंशी वहां से चला जाता है। तभी केट रेचल को ढूंढने लगती है। तभी केट कहती है
कि मैं घंटों तक रेचल को ढूंढ रही थी पर मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन फिर वो मुझे दिखाई दी। तभी केट रेचल को बुलाती है और कहती है कि ये मैं हूँ, तुम्हें याद है मैं यहाँ तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। लेकिन तभी रेचल को गुस्सा आता है और वो केट पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई अटैक करता है और वो कोई और नहीं बल्कि बिशप था। तभी बिशप किटी से कहता है कि सामने से हट जाओ, लेकिन किटी बिशप से कहती है कि नहीं तुम मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर रेचल वहां से भाग जाती है। तभी ये देखकर बिशप केट से कहता है डैमिट तुमने उसे भागने दिया, जिस पर केट कहती है कि मैंने उसे भगाया नहीं बल्कि तुम्हें उसे मारने से रोका। जिस पर बिशप केट से कहता है कि मैं उसे मार नहीं रहा था बल्कि ये तो स्टन गन है। जिस पर किटी कहती है कि तुम्हारे पास भले ही स्टन गन हो लेकिन मेरी असली गन है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। जिस पर बिशप कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकती हो, फिर चाहे तुम कितना भी क्यों ना जोर लगा लो, क्योंकि मैं यहाँ रेचल को बचाने आया हूँ। मेरा नाम बिशप है और मैं अल्टरनेट टाइमलाइन से हूँ और 6 सालों में यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है जिसे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। रेचल ही वो कड़ी है जो ये सब कुछ रोक सकती है। तभी सुनकर केट सोचने लगती है और कहती है कि रेचल कैसे बचाने वाली है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एहब को देखते हैं जो रेचल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी हमें केट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि हमें पूरा साल लग गया था रेचल को ठीक करने में एहब की ब्रेन वॉशिंग से, और फिर हमने उसे जानबूझकर एहब के पास भेजा क्योंकि ये बिशप का प्लान था। तभी एहब रेचल से कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर रेचल कहती है कि अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये सुनते ही एहब रेचल से कहता है कि ये अच्छी बात है, अब हम बाकी के लोगों को मारेंगे। यह सुनते ही रेचल को गुस्सा आता है और वो एहब से कहती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। ये सुनते ही निमरॉड रेचल पे अटैक कर देता है, लेकिन एहब उसे रोकने लगता है, पर तब रेचल ही निमरॉड पे अटैक करती है और उसे तोड़ देती है। तभी रेचल एहब से कहती है कि तुमने मेरे दिमाग के साथ खेला और मेरे हाथों से बहुत से लोगों को मारा, जिस पर एहब कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करना होगा। ये सुनते ही रेचल एहब को जोरदार पंच मारती है और कहती है थैंक यू, जिसके कारण एहब दूर जाके वायरस पर गिर जाता है और उसे तेज बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर जलकर मर जाता है। तभी रेचल एहब की बॉडी के पास आती है और कहती है कि ये फ्रैंकलिन के पेरेंट्स के लिए था। लेकिन तभी पीछे से एक सेंटिनल आता है और रेचल को अरेस्ट करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम केट को देखते हैं जो अपने बच्चों की मौत पर रो रही थी। तभी केट कोलोसस से कहती है कि वो जा चुके हैं, उन लोगों ने हमारे बच्चों को मार डाला। जिस पर कोलोसस केट से कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तभी वहाँ एक सेंटिनल आ जाता है। ये देखकर कोलोसस को गुस्सा आता है और वो केट से कहता है कि बहुत भाग लिया, अब लड़ना होगा। ये कहते ही कोलोसस उस सेंटिनल को मारने जाता है, लेकिन केट कोलोसस को रोकती है और कहती है कि प्लीज रुक जाओ, इन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है और अगर तुम भी चले गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनते ही कोलोसस रुक जाता है और फिर वो और केट सरेंडर हो जाते हैं। फिर हम म्यूटेंट का जेल देखते हैं जहाँ पर सेंटिनल्स ने कुछ म्यूटेंट को पकड़ के रखा है, और तब हमें वहाँ रेचल दिखाई देती है जो फ्रैंकलिन को देखकर उसे माफी मांगती है क्योंकि उसके कारण ही फ्रैंकलिन के पेरेंट्स की जान गई। लेकिन तभी फ्रैंकलिन भी उसे माफ कर देता है। यह मैग्नेटो ढूंढ निकालता है कि लोगन इंडिया के आसपास है, इसलिए वो उसे मिलने आता है। तभी लोगन मैग्नेटो को देखता है और उसे मारने जाता है, लेकिन जुबली लोगन को शांत करती है। तभी मैग्नेटो लोगन से कहता है कि सेंटिनल ने इस पूरे प्लैनेट को एक वेपन बना दिया है जिसके कारण प्राकृतिक आपदा आ रही है। जिस पर लोगन मैग्नेटो से पूछता है कि ये रोबोट ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर मैग्नेटो कहता है कि वे लोग ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक औरत है जो ये सब कुछ करने की पावर रखती है, और वो औरत है वांडा मैक्सिमोफ। इन सेंटिनल्स ने वांडा को किडनैप करके रखा है और उसकी पावर से ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी लोगन और मैग्नेटो ढूंढ निकालते हैं कि वांडा कहाँ पर है, और फिर मैग्नेटो अपनी पावर से वांडा को आजाद करता है। तभी लोगन वांडा को होश में लाता है और तब वांडा लोगन से पूछती है कि क्या वो मैग्नेटो है, और अगर वो ही है तो उसे कहना कि कभी हार मत मानना। ये कहते ही वांडा वहां पर सब कुछ तोड़ने लगती है। तभी ये देखकर मैग्नेटो अपना हेलमेट निकालता है, और तब ये देखकर लोगन मैग्नेटो से पूछता है कि तुम नहीं आ रहे हो ना। जिस पर मैग्नेटो
हाँ कहता है। तभी लोगन वांडा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो वही मैग्नेटो वहाँ खड़ा रहता है और तब उसके ऊपर सीलिंग गिर जाती है और वो वहीं पर फंसकर मर जाता है। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।